जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लू कलर के बहुत सारे आर्किटेक्चर और इवन हाउसेस भी देखने को मिलेंगे। सो अगर आप भी 2-3 दिन का प्लान कर रहे हैं इस ब्लू सिटी को विजिट करने का, तेन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से प्लेसेस है जो विजिट कर सकते हैं अपनी जोधपुर ट्रिप पर। हेलो गाइज, माय नेम इज करण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल सिंड्रोम। हमारे चैनल पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस देखने को मिलेगी। सो अगर आपको भी हमारी तरह ट्रैवल करना पसंद है और आपको भी न्यू प्लेसेस, फूड और एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करना पसंद है, देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको अमेजिंग ट्रैवल अपडेट्स मिलती रहे। वेल, हम राजस्थान के किसी सिटी की बात करें और इसमें कोई फोर्ट का नाम मेंशन ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट प्लेस है वो है मेहरानगढ़ फोर्ट। 1200 एकड़ में फैला हुआ और जमीन से कुछ 122 मीटर ऊपर हिलटॉप पर स्थापित ये फोर्ट राजपूत शासक राव जोधा ने 1459 में बनवाया था। मेहरानगढ़ का मीनिंग है फोर्ट ऑफ द सन। ये फोर्ट अपने वॉल्स पे की गई कार्विंग्स, बड़े कोर्टयार्ड, फूल महल, शीश महल, तखत विलास और मोती महल की वजह से बहुत फेमस है। इस फोर्ट को और इसके अंदर के पैलेस को पूरा बनाने में 500 साल का टाइम लगा है और इसीलिए आपको यहाँ पे 15th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक के डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। मेहरानगढ़ फोर्ट देखने की टिकट है 200 रुपीज पर पर्सन और अगर आपको यहाँ पे गाइड रखना है तो उसका प्राइस है 500 रुपीज अप टू 4 पीपल। ये फोर्ट मॉर्निंग 9 AM से लेकर शाम को 5:30 PM तक ओपन रहता है और इसको कवर करने में आपको मिनिमम 2 आवर्स का टाइम लग जाएगा। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे गाइड रख दीजिए क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री बहुत अमेजिंग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ प्लेस जिसको ताजमहल ऑफ मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेस है जसवंत थाड़ा। ये एक व्हाइट मार्बल स्मारक है जिसको महाराजा सरदार सिंह ने 1899 में अपने फादर महाराजा जसवंत सिंह दो की याद में बनवाया था और इसी वजह से इसका नाम पड़ा जसवंत थाड़ा। इसी व्हाइट मार्बल स्ट्रक्चर की वजह से ही इसको मारवाड़ का ताजमहल भी बुलाया जाता है। लेक के पास बने हुए यह स्ट्रक्चर में गार्डन है, गजीबोज है, छतरिया है और मेन स्ट्रक्चर के अंदर जोधपुर के सारे रूलर्स की पेंटिंग और फोटोज भी है। जसवंत थाड़ा की व्हाइट मार्बल वॉल्स इस तरह से बनाई गई है कि डे टाइम में सनलाइट है वो हॉल के अंदर एंटर करती है, जिसकी वजह से ये पूरा जो हॉल है वो वार्म रहता है और पूरे दिन हॉल में लाइट रहती है। जसवंत थाड़ा का टाइमिंग मॉर्निंग 9 AM से लेके शाम को 5 PM तक है और इसकी एंट्री टिकट है 30 रुपीज पर पर्सन। यहाँ पे आप गाइड भी रख सकते हैं एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप यहाँ पे भी जरूर गाइड रखें। थर्ड प्लेस जो हमारी लिस्ट में है, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी हुई थी। Can you guess the place? It is Ummed Bhavan Palace. ये दुनिया का one of the largest private residence है। ये एक होटल भी है जिसको ताज ग्रुप के द्वारा मैनेज किया जाता है और आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है बट यहाँ पे अगर आपको म्यूजियम देखना है तो उसकी एंट्री टिकट है 30 रुपीज पर पर्सन। अगर आपको उम्मेद भवन पैलेस की हिस्ट्री के बारे में जानना है, देन हमने यहाँ पे एक टूर गाइड के साथ वीडियो बनाई है प्रॉपर हिस्ट्री पे, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मेद भवन से आप जा सकते हो रावण के ससुराल मंडोर गार्डन। ये रावण की पत्नी मंडोदरी का नेटिव प्लेस माना जाता है और इसीलिए जोधपुर में भी आपको रावण का मंदिर देखने को मिलता है। मंडोर गार्डन में आपको मंडोर गांव के रूइंस, टेंपल्स, गार्डन्स और जोधपुर के काफी सारे रूरल्स के नाम पे बनी छतरियां भी देखने को मिलेगी। मंडोर गार्डन जाने के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं है बट यहाँ पे आप गाइड रख के इस प्लेस की रिच हिस्ट्री के बारे में जरूर जान सकते हैं। अब हम चलते हैं ओल्ड सिटी के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो क्लॉक टावर। क्लॉक टावर या फिर घंटाघर एक पॉपुलर लैंडमार्क है जोधपुर ओल्ड सिटी के अंदर। क्लॉक टावर सरदार मार्केट में सिचुएटेड है जहाँ पे आप कपड़े, हैंडीक्राफ्ट की शॉपिंग के साथ साथ फास्ट फूड का भी मजा उठा सकते हैं। इफ पॉसिबल देन आप क्लॉक टावर को दिन में और रात में दोनों टाइम विजिट करिए क्योंकि इस प्लेस की जो वाइब है वो दोनों टाइम पे बहुत डिफरेंट है। सदर मार्केट में कॉर्नर में आई श्री मिश्रीलाल होटल में आप मक्खन या लस्सी जरूर ट्राई कीजिए। इट हैज अ डिफरेंट राजस्थानी टेस्ट टू इट। क्लॉक टावर से ओल्ड सिटी में और अंदर जाते हुए आप विजिट कर सकते हैं नव चौकिया। यहाँ पे गूगल में आपने जोधपुर सर्च करते टाइम जितने भी ब्लू घर देखे हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। ब्लू कलर के हाउसेस और नैरो रोड्स की वजह से ये एरिया कुछ अलग ही फीलिंग देता है और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं। लास्ट प्लेस हमारे लिस्ट में जो है वो है पचेतिया हिल्स। ये एक सनसेट पॉइंट है जहाँ तक पहुंचने का रास्ता भी अपने आप में एक एडवेंचर है। यहाँ पे भी आपको रास्ते में दोनों तरफ की वॉल्स ब्लू कलर में पेंटेड मिलेगी विद सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन इट। पचेतिया हिल्स पे ज्वालामुखी माता का मंदिर है, वहां पे आप दर्शन करके मंदिर के टेरेस से सनसेट का मजा ले सकते हैं।
बस यहाँ के मंदिर में आप पुजारी से परमिशन लेके और थोड़ा सा दान करके टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे कुछ प्लेसेस जो हमने जोधपुर में विजिट किए थे इन 2 डेज। अगर आपको इन प्लेसेस के बारे में डिटेल में जानना है देन आप हमारे जोधपुर के जो व्लॉग्स की सीरीज है वो देख सकते हैं। इसमें हमने सारे प्लेसेस डिटेल में कवर किए हैं और आप किस प्लेस को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर आप कैसे वो प्लेस तक पहुंच सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने बताई है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो अभी जोधपुर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।